उमरिया जिले के ग्राम निपानिया में लापता युवक का शव बरामद हुआ है। शव की पहचान जय प्रकाश पाटकर के नाम से हुई है। पता चल रहा है कि मृतक युवक के गर्दन और पीठ में अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से हमला किया था। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह ने मीडिया से बात कर बताया कि युवक की हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। खेत के पास एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी पहचान जय प्रकाश पाटकर, पिता विनोद पाटकर, उम्र लगभग 30 से 32 साल के आसपास है। यह व्यक्ति 17 तारीख को अपने घर से निकला था, उसके बाद से घर नहीं लौटा और 18 तारीख को इसकी थाना नरोजाबाद में गुम इंसान कायम हुआ था। अभी इसकी बॉडी बरामद हुई है और बॉडी को देख के प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी धारदार हथियार से इसके जबड़े और गले के पास वार किया गया है, जिससे इसकी मृत्यु हुई है। मेरा भाई 17 तारीख को रात में लापता हो गया और उसका मोबाइल बंद बताता था, तो हमने 18 तारीख को थाने में रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद उसके मोबाइल की लोकेशन द्वारा हमने निपनिया गांव में लोकेशन मिली, तो यहां आकर 2 दिन हमने सर्च किया, फिर जाकर आज बॉडी मिली।